अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम मुंडे कैसे घटाते हैं। हम शुरू में ये मुंडे शुरू में हम पांच फंदे भी घटाते हैं और चार भी घटाते हैं। ये 12 साल की लड़की के लिए मैं बना रही हूँ, तो इसलिए इसमें जो ये यहाँ पर हम घटाएंगे, यहाँ पर हम ये चार फंदे घटाएंगे। एक फंदा ये घट गया, इसमें इसको डालेंगे, दो का एक हो गया, एक ही अलग हो गया, दो घट गए हमारे, ये दो का एक करा, तीन घट गए, फिर ये इसमें डाल लिया वापस, ये इस तरह से ये चार फंदे हमारे यहाँ पर, ये चार फंदे घट गए। अब जो भी कोई आप बुनाई कर रहे हैं आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं आगे। कोई आपका अगर प्लेन है तो आप प्लेन बना लीजिए, और आपकी बुनाई है तो आप बुनाई को कंटिन्यू रखिए। सिलाई पूरी करने के बाद यहाँ पर हम ये पूरी सिलाई करेंगे, तो जब ये हमारी उधर से उल्टी सिलाई होगी तब हम उधर से भी इसमें चार फंदे कैसे घटाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सीधी सिलाई यहाँ पर हमने ये घटा के ये सीधी सिलाई मैंने पूरी बुन के पूरी कर ली है। अब आती है ये हमारी उल्टी साइड से, तो उल्टी साइड से भी हम उसी तरह से चार फंदे घटाएंगे। एक फिर ये वाला फंदा वापस इसमें डाल देंगे, दो ये वाला फंदा भी वापस डाल दिया, तीन और चार, इस तरह से चार फंदे हमारे ये यहाँ पर घट गए। अब जिस तरह से भी आप जो भी बुनाई कर रहे हैं, उल्टी रो आपकी है, आप उस तरह से इसको पूरी बना लीजिए। तो ये मैंने अपनी उल्टी रो पूरी कर ली है। अब पहले हमने यहाँ पर चार फंदे घटाए थे, इस बार घटाएंगे हम तीन। जब हमारी सीधी सिलाई होती है तो हम ऐसे ना घटा के हम इसके पीछे से इस तरह से ऐसे ना घटा के हम ऐसे घटाएंगे, तो हमारी ये जो चेन है ये बिल्कुल इक्वल आएगी। ये एक किया, फिर ये वाला इसमें डाला, फिर ये दो घटाए वापस इसी में डाला, फिर ये हमने तीन घटाए। तीन फंदे घटाने के बाद फिर आगे का जो डिजाइन हमारा है हम वैसे ही कंटिन्यू करेंगे जैसे हमने हम बना रहे, और फिर हम जब ये इधर उल्टी सिलाई को शुरू करेंगे उधर भी हम तीन फंदे घटाएंगे। तो पहले हम ये सिलाई पूरी कर लेते हैं। ये देखिए, हमने इधर भी ये तीन फंदे घटा दिए थे, अब ये हमारे इधर भी चार घटे हुए, तो इधर भी हम तीन घटाएंगे। ये उल्टे में हमें सिंपल ही घटाना है, उसके लिए हमें पीछे को लेने की जरूरत नहीं है। एक घट गया, दो, फिर ये धागा हम फंदा इसमें डालेंगे, और ये घटे यहाँ पर तीन फंदे। उसके बाद सेम मेथड से ही अपने जो आपकी रो हो ये आप जो भी बना रहे हो आप इस तरह से ये सिलाई इसी तरह से कंप्लीट कर दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने उल्टी रो पूरी कर ली है। इधर भी हमारे ये पहले हमने जो फंदे घटाए पहले चार और फिर तीन, इधर भी हमने चार और तीन घटाए। अब इस बार में हम एक एक फंदा यहाँ पर घटा देंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप पहले चार, तीन और एक ही घटाएं। जो हम बड़ा स्वेटर कार्डिगन का बनाते हैं तो हम शुरू में यहाँ पे पाँच घटाते हैं, फिर चार करते हैं, फिर दो, फिर एक। या पहले चार घटा दीजिए, फिर तीन, फिर दो, फिर एक, और एक शेप आनी चाहिए, मतलब एक पर्टिकुलर शेप जो हमारी यहाँ से ये कंधे की शेप आती है, ये एक शेप आनी चाहिए यहाँ पर। ये छोटा स्वेटर है इसलिए मैंने इसमें ये कम फंदे घटाए हैं। इसी तरह से आप ज़्यादा फंदे घटा सकती हैं। बड़े जो स्वेटर में है तो उसमें ज़्यादा फंदे घटते हैं, जैसे कि आप पाँच, चार, तीन, दो, एक घटा सकते हैं। तो इसमें हमारा ये एक एक फंदा घटाना रह गया है, इसलिए हम ये घटा लेते हैं। सीधी सिलाई में हम पीछे की साइड को, ये वाला जो है ये हम पीछे की साइड को घटाएंगे, ये घटा लिए। उसके बाद अपनी जो आपकी बुनाई है आप उसको कंटिन्यू करिए। देखिए फ्रेंड, दोनों साइड से ये मैंने शुरू में चार, फिर तीन, फिर एक, और फिर एक करके इस तरह से ये मैंने इसकी ये शेप दे दी है।
इसी तरह से कंधे घटाए जाते हैं बड़े कार्डिगन के भी जो, या जेंट स्वेटर में भी हम कंधे घटाएंगे कंधे के, तो इसी तरह से ये हम घटाएंगे। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।